मॉर्निंग ऑल ऑफ यू टूडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड effect ऑफ temperature एंड प्रेशर ठीक है यानी इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि मैटर का जब स्टेट कन्वर्जन होता है तो उस कंडीशन में टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है ठीक है इसे प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि व्हाट इज द मैटर एंड मैटर को उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग और केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड किया जाता है फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने देखा लास्ट लेक्चर में कि फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इट विल बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस स्टेट ठीक है हम इसी स्टेट कन्वर्जन की बात करेंगे कि ये जो जब सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड या फिर लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू द गैस या फिर हम बोल सकते हैं सॉलिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गैस तो उस प्रोसेस को क्या आ, क्या कहते हैं और उस कंडीशन में टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा ओके तो फर्स्ट हम देखते हैं कि सपोज़ कोई कंडीशन दे रखी है कोई मटेरियल सॉलिड स्टेट में अब इसे अगर हमें सॉलिड से लिक्विड में अगर कन्वर्ट करना है तो उस कंडीशन में टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा अगर हमें किसी भी मटेरियल को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हमें टेम्परेचर करना पड़ेगा इंक्रीज जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉलिड इज कन्वर्टेड इन द लिक्विड स्टेट टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा और प्रेशर क्या करना पड़ेगा हमें डिक्रीज करना पड़ेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सॉलिड जो होगा वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्यूज़न क्या बोलेंगे हम इसे फ्यूजन बोलेंगे ठीक है यानी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा और प्रेशर को डिक्रीज करना पड़ेगा एंड सॉलिड इज कन्वर्टेड इन टू द लिक्विड दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्यूज इसी तरीके से हम ये भी देखते हैं कि लिक्विड को अगर हमें लिक्विड दे रखा है सपोज अब हमें इसे गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है इसमें भी क्या करना पड़ेगा टेम्परेचर जो होगा हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा और प्रेशर जो होगा वो हमें डिक्रीज़ करना पड़ेगा देन लिक्विड इज कन्वर्टेड इन द गैस जैसे सपोज हमें वाटर क्या करना है हमें उसे वेपर वाटर वाटर को वेपर में लिक्विड स्टेट में है उसे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं एक वेसल लेते हैं कंटेनर लेंगे और उसमें वाटर पुट करके और उसे गैस पे सपोज चढ़ा दिया तो एक कंडीशन ऐसी आएगी ना जैस जा, जितना ज़्यादा हमने टेम्परेचर जितना ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो लिक्विड इज़ कन्वर्टेड न्यून द गैसेज यानी लिक्विड क्या हो रहा है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर लिक्विड क्या रहा? हो रहा है गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जा रहा है एंड दैट प्रोसेस दैट प्रोसेस इज नोन एज वेपराई ये मैंने यहाँ लिखा हुआ चार्ट में वेपराई उस प्रोसेस को हम क्या करेंगे वेपराइजेशन कहेंगे ठीक है यानी जब लिक्विड को हमें गैस में कन्वर्ट करना होगा देन uh, क्या करेंगे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे एंड प्रेशर डिक्रीज करेंगे देन लिक्विड इज कन्वर्टेड इन टू द गैसेज एंड द प्रोसेस इज नोन एज वेपराइजेशन अब अगर हमें रिवर्स करें इस प्रोसेस को हम अपोजिट करके देखें उस कंडीशन में देखते हैं क्या होगा सपोज हमें किसी लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है लिक्विड को किस में कन्वर्ट करना है सॉलिड में तो अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया तो लिक्विड कभी भी सॉलिड में तो कन्वर्ट होगा नहीं उसमें क्या होगा वो गैसे स्टेट में कन्वर्ट लेकिन हमें अपोजिट करना है लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा टेम्परेचर हमें डिक्रीज़ करना पड़ेगा और प्रेशर को हमें क्या करना पड़ेगा इंक्रीज़ करना पड़ेगा सपोज़ हमारे पास लिक्विड वाटर uh, है अब uh, वाटर से हमें आइस में फॉर्म करना है तो हम क्या करते हैं फ्रीज़र में उसको डाल देते हैं यानी टेम्परेचर को हम डिक्रीज़ कर देते हैं तो लिक्विड को अगर हमें सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो उस कंडीशन में हमें टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा और प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा एंड दैट प्रोसेसर इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस क्या बोलेंगे हम उसे सॉलिडी सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस बोलेंगे ठीक है इसी तरीके नेक्स्ट देखते हैं ये तो हमने सॉलिड लिक्विड uh, को सॉलिड में कन्वर्ट करने की बात की सपोज हमें क्या करना है गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है ठीक है उस कंडीशन में देखो गैस के के मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है अब उन मॉलिक्यूल की हमें काइनेटिक एनर्जी को कम करना है तभी तो जाके गैस जो होगा वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उस कंडीशन में भी हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा डिक्रीज करना पड़ेगा एंड प्रेशर जो है वो हाई करना पड़ेगा एंड दैट प्रोसेस गैस को जब लिक्विड में कन्वर्ट करने की जो कंडीशन होती है एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज कंडेन्सन इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे कंडेंसेशन प्रोसेस बोलेंगे ओके okay? तो ये तो हमने देख लिया है कि सॉलिड को अगर हम यहाँ अगर इस चार्ट के थ्रू देखें कि अगर ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं फ्यूज़न बोल रहे हैं अगर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे लिक्विड को अगर हम गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे वेपराइजेशन और अगर गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो दैट प्रोसीजर इज नोन एज कंडेंसेशन तो ये ये तो प्रोसेस है अब अगर हमारे सामने किसी सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना हो या गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करना उस कंडीशन को हम बोलते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं सबलीमेशन अगर कोई भी सॉलिड मटेरियल डायरेक्टली गैस में टेम्परेचर प्रोवाइड किया वो गैस में कन्वर्ट हो गया जैसे हम घर में कपूर या कैम्फर हम बोल सकते हैं कि अगर उसको हम जलाते हैं क्या तो वो सॉलिड मटेरियल में होता है ठीक है मटेरियल सॉलिड स्टेट में होता है लेकिन जैसे ही उसे हम टेम्परेचर देते हैं इट विल बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इन टू द गैसेज स्टेट तो ये प्रोसीजर होगा वो क्या हो जाएगा ये प्रोसीजर्स होगा दैट प्रोसीजर इज नोन एज सब्लिमेशन ठीक है तो ये हमने टेम्परेचर और प्रेशर का रोल देख लिया कि अगर हमें सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर हमें इंक्रीज करना पड़ेगा और प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ करना पड़ेगा लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो उस कंडीशन में भी हमें क्या कर ध्यान रख देना अपोजिट हो रहा है लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो प्रेशर हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा और टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा डिक्रीज़ करना पड़ेगा लिक्विड से अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड से हमें क्या करना है गैस में कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर हम क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे एंड प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज़ करा लेकिन अब इसका रिवर्स कर दें अगर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा प्रेशर इंक्रीज़ करना पड़ेगा और टेम्परेचर को डिक्रीज़ करना पड़ेगा सॉलिड से अगर हमें गैस में कन्वर्ट करना है तो उस कंडीशन में सॉलिड से गैस में है यानी सॉलिड के, के के जो पार्टिकल्स उनके उनके एनर्जी जो होती है वो बहुत ही कम होती है नेग्लेजिबल होती है और उन उससे क्या करना है गैस में कन्वर्ट यानी उन पार्टिकल्स की एनर्जी को बढ़ाना है हमें एनर्जी को बढ़ा देना है तो उस कंडीशन में फिर क्या होगा प्रेशर को डिक्रीज़ करना पड़ेगा और टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा इंक्रीज कर करना पड़ेगा तो ये कुछ जो है आपके प्रोसीज़र हैं जिसके थ्रू जो होगा हम ये देखते हैं कि वॉट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ओके तो अब इसमें हम जो देखते हैं कि ये तो हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर का रोल हो गया अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जैसे क्वेश्चन आता है कि कुछ नंबर्स दे देंगे और बोलेगा कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट आर देयर यानी इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो पहले तो हम यही जान लें कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंट फिगर सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है हमारा यानी जो आपका सिग्निफिकेंट फिगर यानी व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि अगर सिग्निफिकेंट फिगर आर डिजिट ऑफ वैल्यू विच कैरी मीनिंग टू द रिजोल्यूशन ऑफ द मेजरमेंट ठीक है दे आर ऑल्सो कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर यानी हम सिंपली केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर तो यानी सिग्निफिकेंट फिगर वो डिजिट वे फिगर आर द डिजिट ऑफ वैल्यू विच कैरी मीनिंग टू वर्ड द रिजोल्यूशन ऑफ द मेजरमेंट इसके कुछ रूल्स होते हैं कि अगर सपोज करो क्वेश्चन में आपको दे रखा है इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं तो इस रूल्स को हमें ध्यान रखना पड़ेगा फर्स्ट रूल क्या कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट जितने भी नॉन नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर होगा जैसे यही मैंने एग्ज़ाम्पल लिखा है फोर्टी टू पॉइंट थ्री तो ध्यान देना मैंने पहला रूल किया है कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट जितने भी नॉन डिजिट नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे एग्जाम्पल में जैसे मैंने दिया है कि 42.3 टू पॉइंट तो इसमें हाउ मैनी सिग्निफिकेंट आर देयर तो ये सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट यानी कितने हो गए वन टू थ्री यानी इस फिगर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है तो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर है नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं दे रखा टू फोर्टी इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यानी इस जो डिजिट हमें दे रखी है इसमें सिक्स सिग्निफिकेंट फिगर है तो अगर पहला रूल यही कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट जितने भी नॉन नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो के सारे के सारे क्या होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे ठीक है सेकेंड रूल क्या कहता है अ जीरो जीरो बिकम्स सिग्निफिकेंट फिगर यानी जो है अगर सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आ जाता है इफ इट अपीयर्स बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट यानी हम सिंपली कह सकते हैं कि हमने अभी फर्स्ट रूल में क्या देखा फर्स्ट रूल ये कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट ठीक है ये तो सिंपल है सिंपल है कि जितने भी नंबर्स दे रखे हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे काउंट करके देखेंगे तो लेकिन सपोज नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो आ जाता है ठीक है तो वो भी क्या हो जाएगा सिग्निफिके सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा जैसे हमारा एग्जांपल दे रखा है 5.03 देखो ये नॉन जीरो डिजिट है इस नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो अगर आ रहा है तो वो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा तो 5.03 है यानी कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए वन टू थ्री यानी फाइव में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए थ्री सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है 5.6042 देखो जीरो क्या है नॉन जीर, जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है तो ये जीरो जो होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा तो इसमें अगर हम काउंट करते हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव फाइव सिग्निफिकेंट फिगर है तो ये सेकेंड रूल है फर्स्ट रूल क्या था कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट सेकेंड रूल क्या कहता है कि अगर जीरो सिग्नि नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर आ जाता है तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा ठीक है अब थर्ड रूल देखते हैं क्या कहता है थर्ड रूल ये कहता है कि लीडिंग जीरो और द जीरो प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट ठीक है यानी या तो जीरो से स्टार्ट हो जाए यानी लीडिंग जीरो ठीक है और द जीरो प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट ठीक है तो यानी जो अगर लेफ्ट में जीरो आ रहा है तो वो आप नॉन जी नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में अगर आता है मतलब स्टार्टिंग ही जीरो से हो जा रही है तो उस कंडीशन में जीरो जो होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा एग्जांपल जैसे देखो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा जीरो पॉइंट फाइव फोर थ्री देखो लेफ्ट में जीरो आ गया यहां बोल सकते हैं कि जीरो से स्टार्ट ही हुआ तो उस कंडीशन में जीरो जो होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होगा जीरो छोड़ दो तो वन टू थ्री तो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर है फिर देखो देखा जीरो पॉइंट जीरो फोर थ्री तो हमने कहा लेफ्ट से है या लीडिंग जीरो है तो उस कंडीशन में जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे फोर थ्री यानी टू आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं ज़ीरो पॉइंट जीरो जीरो सिक्स लेफ्ट में है जीरो तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा यानी वन इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होगा अब नेक्स्ट रूल देखते हैं कि फोर्थ रूल क्या कहता है फोर्थ रूल कहता है कि ट्रेलिंग जीरो और जीरोस प्लेस टू द राइट ऑफ द डेसिमल आर सिग्निफिकेंट यानी डेसिमल के अगर राइट right में आपका जीरो है देखो लेफ्ट में है तो काउंट नहीं हो रहा है लेकिन अगर डेसिमल के बाद राइट right में जीरो है तो वो जीरो जो होगा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा तो इस कंडीशन में देखो जैसे दे रखा है फोर एक मिनट फोर हंड्रेड थर्टी टू पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो तो ये ज़ीरो क्या है राइट right में डेसिमल के बाद और राइट right साइड में तो उस कंडीशन में मैंने कहा कि ये ज़ीरो जो होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा तो इसमें अगर हम काउंट करेंगे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव यानी इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए फाइव सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो सेकेंड एग्ज़ाम्पल है फोर और डेसिमल के जस्ट राइट में है जीरो तो वो जीरो काउंट होगा यानी वन टू थ्री फोर यानी कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए फोर सिग्निफिकेंट फिगर होंगे ओके फिर लास्ट एग्जांपल हम इसी रूल का देखते हैं थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड सिक्सटी टू पॉइंट जीरो जीरो ज़ीरो तो डेसिमल के राइट साइड में है ज़ीरो डेसिमल के बाद राइट साइड में है तो वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा यानी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए सेवन सिग्निफिकेंट फिगर हो नेक्स्ट रूल देखते हैं नेक्स्ट ये हमारा लास्ट रूल है कह रहा है क्या इफ अ नंबर एंड्स इन जीरो ठीक है इफ अ नंबर एंड्स इन जीरो बट दीज आर नॉट टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट जीरो मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट ठीक है अब जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं जैसे कह रहा है 1.14 पॉइंट वन टू द पावर माइनस फोर तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर ये 10 टू पावर हमें कैरी नहीं करना है केवल हमें डिजर्ट देखनी है तो वन टू थ्री यानी इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए थ्री फिर कह रहा है 1.140 पॉइंट वन टू द पावर फोर इसमें भी हमें 10 टू पावर काउंट नहीं करना है केवल हमें इसमें देखना है तो वन टू थ्री फोर यानी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए फोर इसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं वन पॉइंट वन फोर जीरो इंटू टेन टू दावर फोर रूल्स के अकॉर्डिंग अकाउंट नहीं होगा फिर आपका बचा कितना वन टू थ्री फोर फाइव हंड्रेड टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए फाइव हो गया तो ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड कुछ रूल्स थे अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ जिसे आपको सॉल्व करना है ठीक है क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट आपको सिग्निफिकेंट फिगर इसमें काउंट करना दे ध्यान देना बेटा मैंने फर्स्ट रूल कहा कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट जितने भी नॉन डिजिट ज़ीरो नॉन नॉन ज़ीरो डिजिट जो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे अगर जीरो आपका नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा अगर ज़ीरो आपका डेसिमल के बाद राइट साइड में आता है तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा लेकिन अगर जीरो आपका लेफ्ट साइड में आता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा ये ध्यान यानी लीडिंग अगर हो रही है जीरो से तो वो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा तो ये क्वेश्चन ये आपको सॉल्व करना है एक ये क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन आपका ये है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 6.4 ग्राम एंड 6.40 ग्राम अकॉर्डिंग टू देयर सिग्निफिकेंट फिगर सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करके उसके बिहाफ पे ही मुझे इसका आंसर आप बताइएगा इस लेक्चर में अगर किसी को भी कोई डाउट होता है तो पूछ लीजिएगा ठीक है ये आज का मैंने आपको बता दिया कि टेम्परेचर का या प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है मैटर के स्टेट कन्वर्जन में और दो सेकेंड जो टॉपिक था सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना उसके भी रूल्स मैंने आपको क्लियर कर दिए अब अगर इस टॉपिक में किसी को भी कोई डाउट होता है तो वो पूछ सकता है